हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अंकिता गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, जो हमने सेंट्रल बैंक पढ़ा था उसके अंतर्गत हम कंटिन्यू करेंगे। क्रेडिट कंट्रोल क्या चीज़ होती है? क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है उधार को नियंत्रण करना। केंद्रीय बैंक करेंसी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह वहाँ पर साख नियंत्रण करने का काम अवश्य करता है। अब इसमें तीन तरह के उपाय होते हैं, एक तो मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव मेथड्स, सेकंड है क्वालिटेटिव या गुणात्मक मेथड, और थर्ड है अदर मेथड्स। आज हमारा फोकस है क्वांटिटेटिव मेथड्स में। इसके अंतर्गत हम देखेंगे बैंक, फर्स्ट मेथड है बैंक दर व ब्याज की अन्य दरें जैसे रेपो दर आदि। सेकंड है CRR और SLR को कंट्रोल करना। थर्ड है खुले बाजार की क्रियाएँ, एंड फोर्थ है साख मॉनिटरिंग व्यवस्था। अब हम सबसे पहले देखेंगे बैंक दर क्या दर होती है और बैंक दर कैसे काम करती है और उसके प्रभाव क्या होते हैं। बैंक दर का मतलब है जिस दर पर रिजर्व बैंक से व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल के लिए उधार लेते हैं। ये ध्यान रखने की चीज़ है, यहाँ पर अल्पकाल के लिए होती है ये जिस वो दर। बैंक दर में काफ़ी चेंज जो है, वर्तमान में बैंक दर को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बराबर किया गया है। MSF की व्यवस्था जो है 9 मई 2011 से चालू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत इमरजेंसी में व्यापारिक बैंक अपनी तरलता को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक से उधार की राशि ले सकते हैं। अब बैंक दर MSF के बराबर हो गई है। अब बैंक दर के बढ़ने के आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहली बात है, बैंक दर के बढ़ने के आर्थिक प्रभाव सिंपल सा है। जैसे ही बैंक दर बढ़ेगी तो व्यापारिक बैंकों को भी रिजर्व बैंक से महंगा दर मिल उधार मिलेगा। तो जब महंगा मिलेगा तो वो खुद भी बाज़ार में महंगा देंगे अपने ग्राहकों को, तो उससे क्या होगा, जब ब्याज दर महंगी हो जाएगी तो ब्याज दर महंगी होने से ग्राहक भी कम लेंगे उधार, तो ऑब्वियसली मुद्रा स्फीति पर कंट्रोल होगा, साख संकुचन होगा। अब इसका फर्स्ट मेथड वो आर्थिक प्रभाव है साख संकुचन। बैंक दर पड़ने से साख संकुचन होता है क्योंकि व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से प्राप्त कर्ज पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज देना पड़ता है, जिससे उनके द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया जाने वाला कर्ज कम हो जाता है। साथ में व्यापारिक बैंक अपनी ब्याज की दरें बढ़ा देते हैं, जिससे व्यापारी व अन्य ग्राहक भी कम मात्रा में उधार लेने लगते हैं। यही नहीं बल्कि ब्याज की दर के बढ़ने से लोग बैंक में अधिक मात्रा में रुपया जमा कराने लगते हैं। इस प्रकार भारत के में पूर्व में बैंक दर को मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए बढ़ाया गया था। फिर नए निवेश में कमी, जब ग्राहकों को महंगा मिलेगा ऋण तो ऑब्वियसली ब्याज की दर बढ़ जाने से नए निवेशों में कमी होगी, तो रोजगार और आय भी घटने लगेंगे और कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि जिन व्यवसायी ने उधार की रकम से के आधार पर माल जमा कर रखा है वे ब्याज की दर बढ़ जाने पर कुल ब्याज का भार अधिक हो जाने के कारण माल को बेचने लगते हैं किसी भी कीमत पर, तो कीमतों में गिरावट आएगी। तो इस प्रकार बैंक दर के प्रति मुद्रास्फीति विरोधी मानी गई है। फिर विदेशी पूंजी आकर्षित होती है। बैंक दर बढ़ेगी तो विदेशों को ऊंचे ब्याज का प्रॉफिट मिलता है, ब्याज का, तो वो उस कारण आकर्षित होते हैं और भारत में ब्याज की दर ऊँची होने से विदेशी पूंजी के आगमन को प्रोत्साहन मिलता है। फिर इसके आर्थिक प्रभाव और क्या है? बैंक दर में कमी करने का क्या होगा? बैंक दर में कमी होगी तो ऑब्वियसली साख का विस्तार होगा, क्योंकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ज़्यादा उधार लेंगे तो उनकी खुद की ब्याज की दरें भी कम हो जाएगी, तो वो ज़्यादा उधार व्यापारियों को भी ज़्यादा उधार देंगे, तो उद्यमियों को ज़्यादा उधार मिलेगा, तो नया निवेश बढ़ेगा, उत्पादन आए, रोजगार बढ़ेंगे, विदेशी पूंजी जाने लगेगी हमारे देश से क्योंकि उनको अच्छा ब्याज नहीं मिलेगा। तो आर्थिक मंदी की अवधि में बैंक दर को सीमा तक निवेश बढ़ाए जा सकते हैं। फिर है बैंक दर की सफलता की शर्तें, लेकिन ये है ये तुरंत होने चाहिए। तो संगठित मुद्रा बाजार होने चाहिए कि तुरंत उधर कॉमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक ने बैंक दर में चेंज कर और कॉमर्शियल बैंक भी तुरंत चेंज कर दे और उसका असर ग्राहकों पर भी हो, और फिर व्यापारी बैंक केंद्रीय बैंक से पर्याप्त मात्रा में उधार लें, और यदि निवेश के अवसर कम होते हैं तो उस बैंक दर का बढ़ाने और घटाने का भी कोई असर नहीं होगा। इस प्रकार बैंक दर की वृद्धि कठोर मौद्रिक नीति का अंग मानी जाती है क्योंकि इसका उद्देश्य ब्याज के अन्य दरों में वृद्धि करके सभी क्षेत्रों में एक साथ साख की मात्रा को
घटाना होता है। अब हम इसके अंतर्गत